शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। किस्मत की लकीरों से। अगर अभय को ये बात पता चल गई कि किस तरह से तुमने अपने फायदे के लिए उसकी बहन आरती का इस्तेमाल किया है, क्या हाल करेगा वो तुम्हारा? आरती ना आज भी कुणाल से मिलने वाली, वक्त और पता हम तुम्हें बता देंगे। कुछ उखाड़ सकती हो ना तो उखाड़ के दिखाओ। मैं आपके यहाँ के हाथ जोड़ती हूँ। ताई जी, मैंने आपसे आज तक कुछ नहीं मांगा है, पहली बार आपसे कुछ मांगती हूँ। क्या आप मेरी खातिर कीर्ति को माफ नहीं कर सकती हैं आप? नहीं, इस बार मैं भी मम्मी के साथ ही खड़ा हूँ। गलत का साथ देना भी गलत होता है श्रद्धा। तुमने ही कहा था ना श्रद्धा, तुम्हारी बहन की बहुत सारी गलतियों में मैंने उसका साथ दिया, लेकिन अब नहीं। अब यह रिश्ता खत्म हो चुका है। अब कीर्ति कभी इस घर में नहीं आएगी। हेलो, आपकी दुकान में आग लग गई है। हे भगवान, अब है, जल्दी आओ। क्या हुआ चाची, किसका फोन था? तनुजा, हुआ क्या? क्या हुआ भाभी? अरे अब है, जल्दी आओ। अब है। क्या हुआ मम्मी, क्यों चिल्ला रही हो? हमारे दुकान में आग लग गई है। ठीक हो जाएगा सब। मम्मी, भैया, पापा को पता नहीं कैसे पता चल गया कि दुकान में आग लग गई, और वो ना वापस जाने की जिद कर रहे हैं। आप लोग जल्दी चलो, वरना वो कहीं अकेले ना चले जाएं। जल्दी चलिए। कीर्ति, ये लो बेटा। कोई ना कोई वजह जरूर होगी जो ये बात तुम अपने तक ही रखना चाहती हो, पर कब तक? ये बात तुम्हारे लिए जितनी बड़ी है उतनी ही तुम्हारी मां के लिए भी है, और दिलीप जी और नैना जी, उनका भी तो हक है, और आने वाले इस बच्चे से उनका भी तो रिश्ता है। है पापा, उनका भी रिश्ता है, पर हमने आपसे कहा ना कि सबसे पहले ये खुशखबरी हम वरुण जी को देना चाहते हैं। बेटा, कब से तुम कॉल कर रही हो वरुण जी को? उन्होंने फोन उठाया क्या? उठाएंगे नहीं तो तुम कैसे बताओगी उन्हें? बस एक ही तरीका है। दुकान दुकान सब कह रहे, लेकिन वो जाने नहीं दे रहा। मेरे पापा, आराम से। क्या जिद है ये? अपनी हालत देखिए, आप आराम कीजिए, किसी की नहीं सुनते हैं आप। अरे क्या सुने, अकेले नहीं जाने देते, ठीक है कोई तो लेकर चलो। अरे नहीं, आप दुकान उकान बिल्कुल नहीं जाएंगे। अरे अभय है ना, दुकान देख लेगा वो। अब चलिए, पहले बैठिए, चलिए बैठिए, आइए। आप कहीं नहीं जाएंगे, आप यहाँ बैठ के आराम कीजिए, दुकान पे मैं जाता हूँ। मैं समझ सकता हूँ कि तुम लोगों को मेरी चिंता, लेकिन वो दुकान मेरी जिंदगी भर की कमाई है, और मैं अपनी कमाई को राख बनते हुए नहीं देख सकता। भगवान के लिए बस चलो। अरे अब क्या कर रहे हैं, ऐसे तो आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी, आप बस शांत रहिए। आइए। अरे क्या कर रहे हैं,
पापा आप आराम कीजिए, मैं दुकान पे जाता हूँ। हाँ शशु, मैं भी अभय के साथ जाता हूँ। समय बर्बाद करने से अच्छा है कि पहले जाके देख तो आए कि वहां पे क्या हुआ है। अभय चल। संभल के जाना तुम। श्रद्धा बेटा तू भी इनके साथ जा, तू ज्यादा समझदार है, कुछ प्रॉब्लम हो तो जरूर संभाल लेना बेटा, मदद कर देना। जी पापा जी। पैर ऊपर करिए और आराम से बैठिए। ये लोग गए हैं ना, हालात संभाल लेंगे इन लोग दुकान में, और अगर हमारी जरूरत हुई तो हमें बताएंगे। आप बेकार में इतना फिक्र करके ना अपनी तबीयत और मत खराब करिए। अरे शंकर, हम दुकान पे आ रहे थे, तू क्यों यहाँ आ गया? नहीं बचा है भैया, सब कुछ जलकर राख हो गया है, अब वहां जाकर क्या करेंगे? सुबह आने वाला था ना हिसाब देने, ला दे। हिसाब कहाँ से दूं भैया, बताया तो दुकान में आग लग गई, सब कुछ जलकर राख हो गया। जल गया, छोड़ से जल गया। ये क्या बात है? रितु, आप इनके साथ बैठे हैं, तुम्हारे लिए क्या करते हैं? हम संभालते हैं, हम संभालते हैं। छोड़ से जल गया, जल गया, जल गया, पागल हो गया क्या तू? छोड़ से जल गया, ये जला दिया तूने। नहीं नहीं, बच्चा समझे क्या मेरे को? अपनी बीमारी छुपाने के लिए, अपने सबूत मिटाने के लिए तूने दुकान पे आग लगाई ना? छोड़, ये क्या कर रहा है तू? छोड़ वरुण को। अबे भाई पागल हो गया क्या? अबे क्या कर रहे हो? छोड़िए, अबे रुक जाओ, क्या कर रहे हो तुम? पागल हो गया तू, लग जाएगी उसको। छोड़, छोड़, कुछ नहीं किया भैया, एक बार हमारी बात तो छोड़ूंगा नहीं तुझे। दिमाग शांत कर अपना और फोन उठा, कितनी देर से बज रहा है? पागल हो गया क्या तू? आ रहा हूं मैं, बंटी से मिलने जा रहा हूँ, पैसों का इंतजाम करना है। किसी का एहसान नहीं चाहिए मुझे। मुझे तुम्हें कुछ बताना है कीर्ति के बारे में। रितु, अभय की फिक्र हो रही है हमें, तो वो समझदार है, लेकिन इतनी समस्याएं एक साथ आ गई। सबसे पहले तो अनुज का एक्सीडेंट, उसके बाद ये दुकान में आग लगना, पता नहीं वो कैसे संभालेंगे ये सब कुछ। भाभी, अब हम कुछ कहेंगे तो आप कहोगे कि हमेशा ऋतु बोलती रहती है, लेकिन ऋतु को तो बोलना पड़ेगा ना। माना श्रद्धा बहुत अच्छी लड़की है, सुलझी हुई है, समझदार है, लेकिन जब से ना ये दो बैलों की जोड़ी, हम ये कहना चाहते थे कि दो बहनों की जोड़ी जब से शादी करके इस घर में बहुए बन के आई है, ऐसा लग रहा है जैसे बहुए नहीं, मुसीबतों का पहाड़ आ गया हो इस घर में, बता रहे। भाभी, ये तो आपके अच्छे कर्म है जो वक्त रहते वरुण ने उस दुष्ट कीर्ति से पीछा छुड़ा दिया, पर ना इस घर में ना ताथया हो रहा होता, बता रहे। भाभी हम देखते, आप बैठी, हम देख कर आते। आ रहे हैं, पता नहीं कौन है। कौन है ऋतु? वरुण जी से बात करनी। आप अभी के अभी यहां से वापस चले जाइए। सोना,
अरे अरे कहाँ घुसी चली आ रही है, तुम्हारा घर नहीं है। हमें वरुण जी से बात करनी है, प्लीज हमारी बात करा दीजिए माँ, हम आपके पैर पड़ते हैं, प्लीज बहुत जरूरी है, हम वरुण जी से बात किए बिना नहीं जाएंगे। कीर्ति तुम बेशर्मी पर एक किताब क्यों नहीं लिख लेती, तुम्हारे पास बहुत सारा माल है। क्या नहीं किया है नैना भाभी ने तुम्हें इस घर में रोक कर रखने के लिए, लेकिन नहीं तुम्हारे तो पंख है ना, तो तुम तो कहाँ रहने वाली थी, तुम तो उड़ गई और साथ में हमारे वरुण को भी घसीटते हुए ले गई। बुआ जी ना जी, जहां हो वहीं रहो, दोबारा इस घर में आने की कोई जरूरत नहीं है, कोई और नौटंकी हमें नहीं चाहिए। हम ना सब समझ गए, सारे इरादे तुम्हारे, अब हम चौकन्ने हो गए, अब हम इसे रहने नहीं देंगे। भाभी अरे इसका भरोसा नहीं है, कल उठ के ये तो बोलेगी कि हमने कुछ किया और हमें जेल भेज देगी, अरे हमारी जवानी यहीं बर्बाद हो जाएगी जेल में। चलो चलो निकलो यहाँ पे, नहीं रहना तुम्हें, चलो चलो निकलो यहाँ से, चलो अरे नौकर बंद करो, नौटंकी बंद करो, निकलो यहाँ से, चलो। फिर चले आए माफी मांगने के लिए, पेटी दोनों नौटंकी है। संभाल के बेटा, तू ठीक है ना, चोट तो नहीं लगी? चिंता मत करिए पापा, हम ठीक है। हमें वरुण जी से बात करनी है। अब कुछ कहना सुनना बाकी नहीं रहा। सोनिया सही कह रही थी, पापा और कीर्ति वरुण जी से मिलने आए। हे माता रानी, यही मौका है दोनों परिवारों को जोड़ने का, सब ठीक रखिएगा। मैं ये बोल रहा हूं कि आज के बाद अपनी ये शक्ल दिखाना मत मुझे, ना मेरे घर में और ना ही मेरी जिंदगी में। अब कहने सुनने को कुछ बाकी नहीं रहा कीर्ति, मैंने तुमसे साफ साफ शब्दों में कहा था कि आज के बाद ना यहां पर आना ना ही मुझे अपनी शक्ल दिखाना। अब इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, निकल जाओ यहां से। वरुण जी एक बार सुन तो लीजिए कीर्ति क्या कहना चाहती है। मुझे कुछ नहीं सुनना है, जो उसने किया मेरे साथ और मेरे परिवार के साथ, उसके बाद इसकी इतनी हिम्मत की वो यहां पर आई। और वैसे भी अब और क्या सुनना है? यही कि आप पापा बनने वाले। हाँ तो पापा बनने वाला हूं तो क्या,
क्या बोला तुमने? वरुण जी, कि हम मां बनने वाले और आप पापा। मतलब कि तू मां बनने वाली है और मैं मासी। भाभी भाभी, आज हमारे परिवार के लिए बहुत खुशी का मौका है, तो सबसे पहले मुंह मीठा नाना जी का होगा। बहुत बहुत बधाई हो भाई साहब। भाई साहब, जो बीत गया उसे भूल जाते और एक नई शुरुआत करते। अरे नानी को भी तो बधाई देनी है, कहाँ है, फोन लगाइए उन्हें। अरे हाँ श्रद्धा, मैं लगाती हूँ ना मम्मी को फोन। फोन स्विच ऑफ बता रहा है। कोई बात नहीं, जब वो अपनी माँ जी के घर से वापस आ जाएंगी ना, हम खुद उन्हें गले लगाकर बधाई देंगे। कीर्ति, आज मैं बहुत 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 खुश हूँ। कीर्ति, लीजिए, जितनी तेजी से उसकी विदाई हुई थी इस घर से, दुगनी तेजी से घर में वापस आ गई महारानी कीर्ति जी। क्या? हाँ भाभी, हम सच कह रहे हैं। जो इस घर में सिर्फ और सिर्फ मुसीबत लेकर आती थी, आज पहली बार खुशखबरी लेकर आई है। क्या खुशखबरी? कीर्ति माँ बनने वाली है। माँ बनने वाली? भाभी, दिमाग के उबाल को छोड़ी और इस सूप के उबाल को देखिए जरा। क्या है? वैसे भाभी, हम आपका दुख दर्द नहीं समझेंगे तो इस घर में और कौन समझेगा? हम समझ सकते कि आप पर क्या बीत रही है। देखिए ना, नीचे इतनी बड़ी खुशखबरी मिली है और यहाँ आग लगने की इतनी बुरी खबर। आपका और भाई साहब का तो दिल ही बैठ गया होगा ना। हम दिलीप भाई साहब और नैना भाभी के लिए सच में दिल से खुश हैं, लेकिन हमारा ही वक्त कुछ सही नहीं चल रहा है। अब जिंदगी में उतार चढ़ाव तो चलता रहता है, शायद ये बुरा वक्त भी गुजर जाए। बस अभय बंटी से बात करके पैसों का इंतजाम करते। हाँ नहीं हो पाएगा यार। भाई फंसा हुआ हूँ मैं, पैसे चाहिए मुझे। तू तो जानता ही ना, पापा का एक्सीडेंट हो गया, दुकान में आग लग गई है, हाथ बहुत टाइट है यार। हाँ तो कमाऊ बेबी, किस दिन काम आएगी? मांग ना उससे। क्यों मांगूंगा उससे पैसे? घर पे तो दे रही है ना पैसे। तो अपने धंधे के अकाउंट में से कुछ दे देना मुझे। अकाउंट में कुछ नहीं है। क्या बकवास कर रहा है? पार्टनर हूं तेरा, सब हिसाब पता है मुझे। मुनाफे में मुनाफा छाप रहा है तो मेरे हिस्से के कुछ दे दे अभी मुझे। यही दिक्कत है तुम लोगों के साथ धंधा करने में, जिनको धंधे की समझ तक नहीं है। और मुनाफे का मतलब ये नहीं कि उसे जेब में रख ले, उसे आगे बढ़ाते हैं जिससे धंधा आगे बढ़ता है। किससे पूछ के तूने सारे पैसे आगे लगा दिए? इसमें पूछने बताने की क्या बात है? और एक बात बता,
धंधे की समझ तुझे ज्यादा या मुझे? और एक बात मत भूल, काम की भीख मांगने तू मेरे पास आया था, ना कि मैं। अब यार समझा कर, व्यापार करने का एक तरीका होता है। व्यापार का तो पता नहीं, पर यार का सारा समझ आ गया आज मुझे। यार अब ये सब मत कर। अच्छा रुक, अभी ये 5,000 रख ले, बाकी बाद में देखता हूँ। मजाक कर रहा है क्या? इससे क्या होगा? यार इतने हैं मेरे पास, इससे चला लेना अपना काम। हाँ हाँ हम बुआ दादी बनने वाले, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारी उम्र हो गई है, हम अभी भी जवान है बता रहे। श्रद्धा बेटा, आपका मंदिर जाने का सुझाव बहुत अच्छा था। कीर्ति और साथ में अनुज के लिए भी प्रसाद चढ़ा देंगे। उठिए दोनों, नजर उतारनी है। एक मिनट आना, आपसे कुछ बात करनी है। भाभी, मैं कुराल से ना मिल पाऊं से मुझसे दूर रखने के लिए आप उसके घर तक पहुंच गए। इतनी हिम्मत हो गई आपकी? आपने ना भाभी बिल्कुल ठीक नहीं किया है। आरती, वो लड़का तुम्हारे लिए सही नहीं है। तुम जितनी बार उससे मिलने की कोशिश करोगी, हर बार रोकूंगी मैं तुम्हें। भाभी, अगर भैया के साथ आपका रिश्ता ठीक नहीं चल रहा है तो इसमें मेरी गलती क्या है? बदला लेने के लिए मुझसे मेरी जिंदगी क्यों खराब कर रही है? मैंने तुमसे पहले भी कहा यार, तो जिस दिन मेरी शादी तुम्हारे भैया से हुई, उस दिन मेरा रिश्ता सिर्फ उनके साथ ही नहीं बल्कि इस घर में सबके साथ जुड़ गया है। उसी हक से तुम जितनी बार उस लड़के से मिलोगी या तुम्हारा उठाया हुआ हर गलत कदम होगा, मैं तुम्हें रोकने के लिए तुम्हें तुम्हारे सामने खड़ी मिलूंगी। चलो, मंदिर के लिए देर हो रही है हमें। पापा आ गए इतनी चिंता में, ऊपर से सामान भी भरवाना है, पैसों का इंतजाम भी नहीं हो रहा है, क्या करूं यार? कुनाल, तेरी हिम्मत कैसे हुई घर पे आने की? मेहमान का सर फोड़ गए क्या? चलो, क्या कर रहे? गलत घर में हो तुम। चाहो ना यार, मेरी दोस्ती को लात मार दी तुमने। धोखेबाज हो तुम। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है। तुम चाहो यार, अब और तकलीफ नहीं दूंगी मैं आपको। बहुत जल्द इस घर से चली जाऊंगी मैं। किस्मत से टकराती, उलझी लकीरों को सुलझाती, श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।